गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एक स्माइल से देख मेरे को ये बता दीजिए कि आप हेल्दी है, स्वस्थ हैं? वेरी गुड, आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहे और अपने ध्यान रखिए। हमने अपनी कविता अब आ जाते थोड़ा सा अपने टॉपिक पर। हमारा हमने क्या किया था, हमारी कविता थी हिंदी टेस्ट की पार्ट नंबर 3 है, हम नन्हे नन्हे बच्चे। ठीक है, हमने ये अपनी कविता पढ़ी थी और मैंने बोला था ये हर एक बच्चों को याद होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी कविता थी, पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, आपको ये पढ़ाई भी थी, ये समझाया भी था। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये किसने लिखी थी, सोहनलाल द्विवेदी जी ने कविता लिखी थी और हमने इसके शब्दार्थ किए थे। ठीक है, कि कैसे छोटे बच्चे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी समझ से देश की भक्ति की उनके अंदर भावना है और देश के लिए वो अपने सिर भी कटवाने के लिए तैयार है और देश का हाथ में देश की शान जो हमारा है फ्लैग झंडा है तिरंगा और उसको लहराने के लिए वो उत्सुक है और वो उनको लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने अब इसमें करेंगे इसका प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चे किसका जय 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 गान, बच्चे किसका जय गान करने की बात कह रहे हैं। बच्चों अभी आप सेकंड से थर्ड में आए हो, ठीक है, तो अभी आपको ये ऐसे एक एक अक्षर बोल बोल कर ऐसे आपको पहले पूरा प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप राइट करो, फिर उसके बाद फिर दोबारा आप उसको पढ़ो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है। तो बच्चे अभी तो प्रश्न क्या हमारा, बच्चे किसका जय गान करने की बात कह रहे हैं। तो क्या क्या कह रहे थे कि अगर आपने कविता अगर अच्छे से याद की पढ़ी हो, ठीक है, तो क्या था उसमें, जननी की जय जय गाएंगे, जननी की जय जय गाएंगे। आज जननी कौन होता है, शब्द अर्थ में था जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि या जन्म भूमि। तो भारत हमारी क्या है, भारत माता है और इसको क्या है, ये हमारी जननी है और क्या है, जन्म भूमि है। तो हमारी जन्म भूमि क्या है, भारत है ना हमारी, ठीक है, तो हमारी जन्म भूमि है। तो बच्चे जन्म भूमि की जय गान करने की बात कह रहे हैं, ऐसे आपको आंसर भी ऐसे लिखना है, बच्चे जन्मभूमि की जय गान करने की बात कह रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे किसकी ध्वजा उड़ाना चाहते हैं। ध्वजा क्या बताया था, झंडा, ध्वजा का क्या अर्थ है, झंडा। इसलिए पहले आपको शब्द अर्थ इसलिए लिखवाए जाते हैं बच्चों कि आप जब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो उसमें आपको शब्दों का अर्थ पता हो। ठीक है, तो आपने शब्दार्थ में किया था, शब्दार्थ में क्या, ध्वजा का झंडा। अब झंडा सबको पता है, ठीक है, कि हमारा तिरंगा है उसको हम झंडा बोलते हैं, वो भारत का झंडा है। तो बच्चे किसकी ध्वजा यानी झंडा उड़ाना चाहते हैं, बच्चे भारत का ध्वजा उड़ाना चाहते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चे किससे नाता जोड़ना चाहते हैं। हमारा उत्तर है, बच्चे साहस या हिम्मत से नाता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर साहस होगा तो तभी तो अपने देश के लिए वो आगे कुछ कर सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे और फिर वो किसी से ना डरेंगे ना घबराएंगे। अगर उनके अंदर है साहस और हिम्मत है तो निडरता के साथ वो अपने रास्ते पर पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। जब तुम्हें डर लगता है किस चीज से, क्या तुम आगे बढ़ पाते हो, निडर नहीं बढ़ पाते ना, तो आपको निडर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत साहस होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो जिस बच्चों के अंदर साहस होगा हिम्मत होगा वही तो आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही जो बच्चे देशभक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें देश प्रेम की भावना है, वो बच्चे किसके साथ नाता जोड़ना चाहते हैं, साहस के साथ। तो बच्चे साहस से नाता जोड़ना चाहते हैं।
हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रश्न है, बच्चे क्या भेंट चढ़ाने की बात कह रहे हैं। तो बच्चों भेंट मैंने बताया था आपको क्या था, शब्दार्थ में आपने किया था, भेंट होता है किसी चीज को कोई चीज देना अपनी मर्जी से देना, ठीक है, कोई उपहार में। जैसे आप जन्मदिन पर आप किसी को गिफ्ट लेके जाते हैं ना, उपहार बोलते हैं, तो आप मनमर्जी से देते हो ना, आप अपनी मनमर्जी चाहे कुछ भी दो, चाहे खिलौना दो, कोई कार दो, कोई नोटबुक दो, कोई पेन पेंसिल दो, कुछ भी दे, तो आपकी मर्जी हुई ना, आपकी मर्जी हुई ना। तो जो चीज आपकी मर्जी से देना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, भेंट या उपहार। तो बच्चे क्या भेंट चढ़ाने की बात कह रहे हैं, बच्चे देश के लिए अपना सिर भेंट चढ़ाने की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर हमें अपने देश के लिए अपना सिर भी कटवाना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कविता में किस पर्वत पर चढ़ने की बात कही गई है। अब देखो पर्वत पर कौन चढ़ेगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी, साहस होगा, वही तो चढ़ेगा। जिसके अंदर साहस नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, डर जाऊंगा, या मेरे को चोट लग जाएगी, तो वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। तो जिसके अंदर हिम्मत है, साहस, वही किस पर चढ़ने की मत रखेगा, पर्वत पर। तो कविता में किस पर्वत पर चढ़ने की बात की गई है, कविता में बर्फ से ढके पर्वत पर चढ़ने की बात कही गई है। अब देखो सर्दियों में हमें घर पर रहते ही सर्दी लगती है ना, और जब हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या होगी, हिम्मत होगी, तभी तो हम पर चढ़ पाएंगे ना, और तभी हम अपने देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। तो बच्चों आज हमने अपने इस पाठ के, इस कविता के हमने शब्द का प्रश्न उत्तर लिखे हैं। आप साफ साफ नोटबुक पर लिखिए, उनको याद करते रहिए, और हर पाठ में कोई ना कोई आपको सीख दी गई है, आप उन सीख को हमेशा याद रखिए और अपनी जिंदगी में भी उसको अपनाएं, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।